वन वेलकम टू माई चैनल आई एम सिम इंसानी एंड ये जो वीडियो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन ड बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए अगर तुमने अभी तक अपनी जो बोर्ड का एग्जाम है उसका न्यू पैटर्न तुम्हें नहीं पता है तो जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है मैं पहले भी बताया और दोबारा आज ये वीडियो बनाइए बिकॉज हर एक न्यूज़ पेपर में ये बात दोबारा से आई है एन सी बी एस ई बोर्ड हैज़ रिक्वेस्टेड ऑल द स्टूडेंट्स टू रिव्यू द सैम्पल पेपर देखो जो अब की बार का तुम्हारा एग्जाम है उसमें पहले तुम्हारा थर्टी परसेंट सिलेबस कम हुआ है एंड उसके बाद देर आर चेंजेस क्या चेंज हुए हैं इंग्लिश में फोर्टी मार्क्स का पेपर जो है एम है ऐसे ही आपका हर एक सब्जेक्ट में इवन पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर मैं आज डालूंगी बिकॉज आई बी स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स अगेन ऑन माई चैनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ आज ही नियन इकोनॉमी स्टार्ट होगी तो दिस इज अडेट फॉर यू गाइज सेकेंडली गाइज टेंथ के हो आप ट्वेल्थ के हो अगर आप साइंस के हो तो आप फिजिक्स हर एक के सैंपल पेपर जो है मैथ्स वाले बच्चे जो सैंपल पेपर अभी ऑफिशियल साइट पे सीबीएसई की आया है उसको चेक करो एंड ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है उसको देखो दैट की वेटेज कितनी है एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ठीक है लॉन्ग आंसर हमारा क्या तरीका होता है हम हमेशा लॉन्ग आंसर की टेंशन लेते रहते हैं कि लॉन्ग आंसर लर्न करने है लॉन्ग आंसर लर्न करने है बट गाइज एमसीक्यू की वेटेज भी तो देखो अब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है यू ऑल नो मैंने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं और हिस्ट्री के कर दिया पॉलिटिकल के कर दिया जोग्रफी कैल स्टार्ट एंड अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट जिनके पास इको है नाउ ईको इज इन माई हैंड्स ओके तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी बच्चों को कई बार वो प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट के उसमें नेशनल इनकम इंकाम एक्सप्लेन इन अ वेरी वंडरफुल वे यू कैन दिस गो एंड स्टडी फ्रॉम इफ यू वॉन्ट सेकंडली इंडियन इकोनॉमी थ्योरी सब्जेक्ट आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो इंडियन इकोनॉमी की मिल जाएगी फिर जैसे इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगी हम उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिविजन करेंगे बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट तो उसमें से आपका एम आएगा अब टेंथ के बच्चों की बात करूँ आज मैं आपका साइंस का सैम्पल पेपर आपको बताऊँगी क्यों गाइज अभी भी कुछ बच्चों के जिन्होंने देख लिया उनकी बात नहीं है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है एम की वेटेज बढ़ी है एम टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं दो बोर्ड तो कह रहे हैं आसानी हो गया बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट दैट एट टाइम्स मेरे को एम से ज़्यादा डर लगता है राधा दिन अपने आप बना के लिखने से ज़्यादा ठीक है तो अगर आपको एम पसंद है या नहीं पसंद है ओनली यू हैव टू डू वन थिंग दैट तुम्हें जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना है यू आर ओनली हैविंग द टू सोर्सेज फॉर द इमार्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट इज मी आई एम हेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं आज प्ले लिस्ट बनाऊंगी सबकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश फॉर कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम्स बिकॉज भी तुम्हारे लिए मैं यही बना सकती हूँ सेकंडली ऑप्शनल बना दूंगी तुम लोगों के लिए एंड ह्यूमनिटी स्टूडेंट्स देर इज ईको देर इज हिस्ट्री देर इज योर इंग्लिश देर इज योर पोलिटिकल साइंस देन जोग्राफी ऑल्सो देन विल सी दर सोश एंड दिस आई के ऑल्सो ठीक है तो तुम्हारा सब कुछ है नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एक एक चैप्टर के हज़ारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है और सेकेंड तुम्हारी सोर्स के एनी रिफ्रेशर बुक टेक एनी रिफ्रेशर ओके एंड हर एक रिफ्रेशर कोई भी फ्रेशर तुम खोलते हो तो उसमें क्या होता है बीस बीस जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट दिए होते हैं और चैप्टर का ओवरव्यू छोटी छोटी डेफिनेशन प्रेफर ओके जस्ट क्रैमिंग और लर्निंग योर लॉन्ग आंसर्स पहले अब साइंस के बच्चों आप बायो के बच्चे जो भी है आपका अपना जो सैंपल पेपर है वो खोलो एंड लु क्या है एम सी क्यू वेटेज यानी कि जो वन मार्कर्स की वेटेज बड़ी है भैया अगर वो गलत कर दिया तो एक नंबर तो गए गए हैं थ्योरी में अगर तुम तो अपने आप से सेंटेंस बना के लिख रहे हो यू कनेट एनी थिंग मे बी एक ही जगह तुम्हें आधा मिल जाएगा ऐसा होता है ना हम कहते चलिए कुछ अपने पास से बना के भैया पर एम सी क्यू में क्या लिखोगे अपने पास से बना के नहीं ना तो उसी तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है और मैंने स्टार्ट करा दी है वैसी प्रिपरेशन कई बच्चों को पता है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की डाल दी है उसके बाद सभी के सभी

रिसेंटली आई पोस्टेड वीडियो दट विच सब्जेक्ट यू वॉन्ट मी टू टीच द फर्स्ट तो उस पे मोस्ट ऑफ द जो मैंने पोल देखे थे वो किसके थे यानी कि वोट्स किसके थे इंडियन इकानॉमी के थे तो अभी मैं दस दिन के अंदर इंडियन इकानमी पहले कंप्लीट कराऊंगी देन आल कंप्लीट द सोशियोलॉजी क्योंकि ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को इंडियन इकोमी की जरूरत है तो सोशोलॉजी स्टूडेंट्स यू हैव टू वेट नाउ बिकॉज मैंने जब पढ़ाई है सोशलॉजी आई हैव सीन योर रिस्पॉन्स ओके सो इट्स ऑन यू मैं जो जो चैप्टर जो वीडियो जिन बच्चों को ज़्यादा जरूरत है मैं पहले उसे बनाती हूँ उसके बाद वो सब्जेक्ट पे आती हूँ जो कम बच्चों को चाहिए ओके तो इट्स ऑन यू दैट अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी से कंप्लीट करूँ हिस्ट्री विल बी हिस्ट्री कंप्लीट है चैनल पे पॉलिटिकल कंप्लीट है ज्योग्राफी कंप्लीट है इंग्लिश कंप्लीट है अब इको कंप्लीट हो जाएगी फिर सोशल होगी फिर साइकोलॉजी होगी फिर इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन होंगे टेंथ के बच्चों तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट है एस एस है अब आएंगे फिर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर उसके सारे नोट्स दलेंगे मेरी इंस्टाग्राम आई डी पे एंड सिर्फ ऑप्शनल के नहीं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं मेरी इंस्टाग्राम आई डी पर इंपॉटेंट क्वेश्चन है इफ यू डोंट हैव अ रिफ्रेशर और इतना टाइम नहीं है रिफ्रेशर देखने का स्क्रीन लेना इस तरह से जाके और जब भी सो रहे हो बैठे हो कभी भी वो एमसीक्यूज को आपको रीड करना है साइंस वाले बच्चों इंग्लिश का सारा सिलेबस है कॉमर्स वाले बच्चों इंग्लिश सीखो दोनों है जाके देखो इनसे आईडी पे मेरी स्क्रीनशॉट लो रख लो फोन में सेव करके फोल्डर अलग बना लो स्क्रीनशॉट मतलब कुछ भी डाल के एमसीक्यू डाल के एक फोल्डर बनाओ उसमें सब कुछ सेव करके रख लो व्हेनेवर यू आर फ्री कहीं जा रहे हो कुछ कर तुम्हारा हार्ड स्टडी करने का मन नहीं है ठीक है तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें रीड करना है कई कर बार ऐसा होता है जो हम उड़ते फिरते पढ़ लेते हैं वो हमारी मेमोरी में ज्यादा अच्छे से स्टोर हो जाता है ओके okay, तो एम को अपनी जान बना लो देखो जो चार देखा है मैंने अपनी थमनेल पर आया राइटेड चालीस नंबर हमारी जेम में वॉट टाइम इन टू सेवा दैट दैट वो चालीस हमें अपने पक्के करके रखने हैं पॉलिटिकल स्टूडेंट्स एम आ रहे हैं ना जो पॉलिटिकल में हिस्ट्री स्टूडेंट जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री में जो एम आ रहे हैं दैट्स फ्रॉम मिड ऑफ द चैप्टर ठीक है chapter, बिल्कुल बीच में से तो मैं डरा नहीं रही हूँ आई एम टेलिंग यू नीचे प्लेलिस्ट गिवन है जाके पढ़ना शुरू कर दो अगर अब तक सैंपल पेपर नहीं देखा है तो जल्दी kind of okay, तो कर रही हूँ सीबीएसई की तो गूगल तो पे जाओ सर्च करो सीबीएसई सैंपल पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पूरी एक लिस्ट बनी हुई है आपका एक कॉलम आ रहा है उसमें देर एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा डाउनलोड करो और डाउनलोड करके बस फोन में रखना नहीं है उसको देखना है और उसको समझना है आपको दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोज ठीक है तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है हमें अब पहले वाले बच्चों का जैसे सीन है तुम्हारा योर सीन इज काइंड ऑफ डिफरेंट ठीक है तो अभी ये सैंपल पेपर देखो देन जस्ट स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो टेक अ रिफ्रेश फॉर द शॉर्ट आंसर्स और गो एंड टेक द इंस्टाग्राम से जाके नोट्स ले लो सो दिस वॉज ऑल टू इन्फॉर्म यू दैट योर एम सी क्यू वेटेज इज हाई अर नो सो गो एंड स्टडी अकॉर्डिंगली थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम टुडे सो बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल माई स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग लाइक कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट करो डिस्क आप कमेंट सेक्शन में इधर मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ ना करूँ बट अगर मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला तो आई विल ज़रूर मतलब मेक अ वीडियो ऑन इट या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो आई रिप्लाई होल्ज ओके तो अगर तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करो मुझे एंड आई विल रिप्लाई यू ठीक है अब सेकंडली बात करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ध्यान से देख लो उसको जितनी प्ले लिस्ट गिवन है और अगर अभी नहीं डली होगी तो पाँच मिनट बाद दिल जाएगी जो बच्चे बाद में लिखेंगे उन्हें प्ले लिस्ट मिल जाएगी ओके सो थैंक यू सो मच वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक ऑल माई स्टूडेंट्स आई एम ऑलवेज देयर विद यू कोई भी क्वेरी है पूछो मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट सेक्शन में ब बाय टेक केयर एंड डू योर